अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मास्टर एमएस वर्ड विद कोडोनिक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पैराग्राफ से रिलेटेड एडिटिंग करते हैं। इसमें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, लाइन स्पेसिंग, इंडेंट्स, सॉर्टिंग और पैराग्राफ शेडिंग और बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे कि हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ये है कि हमारे पास, मैंने यहाँ पे एज ए फॉर्मेट के तौर पे दो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। इन पैराग्राफ्स की हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हम किस तरीके से इन पैराग्राफ को फॉर्मेट करते हैं, उसके लिए, अब ये मेरे पास दो पैराग्राफ्स हैं, अगर मैं इन पैराग्राफ के अलाइनमेंट करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं। यहाँ पे पैराग्राफ वाले टूलबार ग्रुप में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास फोर लाइंस हैं और डिफरेंट इनकी सेटिंग है। अब सबसे पहले को देखें तो यहाँ पे ये है कि ये सारी की सारी जो लाइन्स हैं वो लेफ्ट साइड पे से स्टार्ट हो रही है और राइट साइड पे मूव कर रही है। जहां पर वो लाइन खत्म हो रही है वो वहीं से लाइन शॉर्ट हो गई और ब्रेक हो गई है। अब ये जो लाइन वाला ये जो फॉर्मेटिंग की टेक्निक है, ये है हमारी अलाइन लेफ्ट, मतलब कि आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट साइड पे अलाइन कर रहे हैं कि जो भी लाइन स्टार्ट करें वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो, और अगर लाइन में सेंटेंस जो है वो खत्म हो रहा है तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाए, वहीं पे वो ब्रेक हो जाए। अब ये है लेफ्ट लाइन, और लेफ्ट लाइन के लिए जो कंबिनेशन की है वो आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस एल की कंबिनेशन की है। अगर आपका जो पैराग्राफ है या जो भी आपका टेक्स्ट है वो किसी भी रफ साइड पे लाइन है, अगर आप उसको लेफ्ट साइड पे लाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कंबिनेशन की जो है कंट्रोल प्लस एल भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद साथ अगर देखें तो यहाँ पे है हमारे पास सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन जो है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो पैराग्राफ है वो टोटली सेंटर अलाइन हो जाएगा, कि सेंटर में आपका जो है वर्ड या जो सेंटेंस का जो पोर्शन लास्ट पे आ रहा है वो सेंटर अलाइन के तौर पे होगा, और उसके अलावा पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो सेंट्रली अलाइन होगा। अब इसके लिए अगर मैं इस सेंटर लाइन वाले ऑप्शन पे हावर करें तो हावर करने से हमें पता चलता है कि सेंटर लाइन की जो कंबिनेशन की है वो कंट्रोल प्लस ई है। आप कंट्रोल प्लस ई करके भी आप कंबिनेशन की को यूज करते हुए पैराग्राफ को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं इसको फिर से लेफ्ट लाइन करूं तो लेफ्ट लाइन के लिए मैं लेफ्ट लाइन वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा या कंट्रोल प्लस एल प्रेस करूंगा तो मेरा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला जो है वो अलाइन राइट है। राइट साइड पे अलाइन करने के लिए अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका सारे का सारा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा, और इसके लिए अगर मैं यहाँ पे हॉवर करूं तो यहाँ पे इसकी जो कॉम्बिनेशन की है वो है कंट्रोल प्लस आर की। कंट्रोल प्लस आर प्रेस करूंगा तो हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूं तो मेरा ये सेंटर अलाइन हो जाता है, और अगर कंट्रोल प्लस एल प्रेस करता हूं तो मेरा ये जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइन हो जाता है। अच्छा जी, अगर ये लेफ्ट लाइन पे देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ा आगे जाके मार्जिन जो है हमारा बॉर्डर जो है उसके करीब जाके इसका जो वर्ड है वो एंड हो रहा है, और नेक्स्ट जो सेकंड लाइन है उसका लास्ट वर्ड जो है वो पहली लाइन से थोड़ा पहले एंड हो रहा है, और यहाँ पे जो थर्ड लाइन है वो तो बस तीन उसमें वर्ड है और वो लाइन जो है वो सेंटेंस जो है वो एंड हो गई है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि पैराग्राफ जो है वो दोनों साइडों से खूबसूरती से इक्वली अलाइन नजर आए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस सिलेक्टेड पैराग्राफ पे जो है ये जस्टिफाई वाला ऑप्शन जो है इस पे क्लिक करूंगा। मैं जस्टिफाई पे क्लिक करता हूं तो जस्टिफाई किस तरीके से आ रहा है, चार ऑप्शन है। आप जस्टिफाई वैसे सिंगल आप जस्टिफाई कर सकते हैं सिंपली, और उसके अलावा जस्टिफाई लो कर सकते हैं, जस्टिफाई मीडियम कर सकते हैं, जस्टिफाई हाई कर सकते हैं। आप किस तरीके से इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो मेरा, अगर आप ये देखें, सारे का सारा जो पैराग्राफ है वो दोनों साइडों से इक्वल अलाइन है और खूबसूरत शो हो रहा है। इसके बाद में लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या चीज होती है, दो लाइंस के दरमियान जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाइड डिस्टेंस जो है फर्स्ट और सेकंड लाइन के दरमियान में ये डिस्टेंस जो होता है ये लाइन स्पेसिंग कहलाती है। फर्स्ट और सेकंड लाइन के दरमियान में ये जो स्पेस है वाइट वाली, इस स्पेस को हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। अब ये जो स्पेस है ये लाइन स्पेसिंग कहलाती है। हम किस तरीके से लाइन स्पेस को एनहांस कर सकते हैं, हम किस तरीके से लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं और लाइन स्पेस को डिक्रीज कर सकते हैं। अभी मैंने पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड से पहले मैंने कर्सर को रखा हुआ है।
अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो लाइन स्पेसिंग है इस पैराग्राफ की वो सेट हो, तो उसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ वाले टूल बार ग्रुप में ये लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन जो है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1.0, 1.15, 1.52, 2.53, अब जैसे जैसे मैं नंबर्स पे अपना कर्सर मूव कर रहा हूं आप देख सकते हैं पैराग्राफ के लाइन के दरमियान में जो स्पेस है वो इंक्रीज करती जा रही है। अब यहाँ पे 1.5 कर देता हूँ तो ये दोनों पैराग्राफ आपकी जो तीनों लाइंस हैं इन तीनों लाइंस के दरमियान में जो लाइन स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो गई है। अब अगर मैं यहां इसकी लाइन स्पेस डिक्रीज करना चाहता हूं तो इसी तरीके से अगेन मैं ये लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसकी स्पेस जो है वो कम कर सकता हूं। ये वो मेथड है जिसके जरिए से हम लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। इसके बाद है जी हम किस तरीके से इस पैराग्राफ को शेड कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है। हमने पैराग्राफ को शेड करने के लिए आप अपने कर्सर को किस पैराग्राफ के किसी भी साइड पे किसी भी जगह पे आप अपने कर्सर को प्लेस करने के बाद पैराग्राफ वाले टूल बार ग्रुप में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको बास्केट नजर आ रही है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको शेडिंग का ऑप्शन नजर आता है। ये है पैराग्राफ की शेडिंग। और जैसे ही आप फॉन्ट वाले ग्रुप में जाते हैं टूल बार ग्रुप में तो यहाँ पे जो ये ए अल्फाबेट नीचे कलर वाली लाइन है या ये यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर वाली लाइन है ये जस्ट आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को या सिलेक्टेड टेक्स्ट के जो वर्ड हैं उनको हाईलाइट करता है। और ये जो है अल्फाबेट ए के नीचे जो कलर लिखा हुआ है आपके अल्फाबेट्स के कलर को चेंज करता है, जबकि ये जो पैराग्राफ वाले टूल बार ग्रुप में ये बास्केट है ये बास्केट आपके पैराग्राफ को कलर करती है। अगर मैं यहाँ पे ये इस कलर पे क्लिक करता हूं तो क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था इस पैराग्राफ के इस वर्ड के दरमियान में तो ये जस्ट मेरे इस पैराग्राफ को शेड करेगा। अगर मैं इस सारे के सारे जो पैराग्राफ्स हैं इस टेक्स्ट में इसको सिलेक्ट करके इस बास्केट में मैं इस कलर पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे दो पैराग्राफ जो हैं ये दोनों के दोनों शेड हो जाएंगे। इस तरीके से हम पैराग्राफ्स को शेडिंग करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सॉर्टिंग एंड बुलेट पॉइंट्स, सॉर्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट जो नजर आ रहा है उसमें एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, डेट एंड बनाना लिखे हुए हैं। अब ये अगर आप देखें तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है, ये जी से, पी, डब्ल्यू, डी, बी, यहाँ पे अल्फाबेट्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी स्पेसिफिक जो आपकी टेक्निक है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वाली जो है सॉर्टिंग टेक्निक उसके अकॉर्डिंग ये सेट नहीं हुए, हम इनको सेट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, सारे के सारे डाटा सेट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पैराग्राफ वाले टूल बार ग्रुप में यहाँ पे ए टू जी के साथ एरो साइन लगा हुआ है ये आपका सॉर्टिंग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पॉपअप पेज शो होगा। ये पॉपअप पेज क्या कहता है जी, इस पॉपअप पेज में सॉर्ट बाय लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप तीन डिफरेंट मेथड के जरिए से एक ही सिलेक्टेड टेक्स्ट को या एक ही सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को आप सॉर्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं हम किस तरीके से इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये किसको हम पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे, इसमें तीन डिफरेंट ऑप्शन है, पैराग्राफ, हेडिंग या फील्ड। हमें ये टेक्स्ट जो है इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको सॉर्ट करना है तो हम इसको पैराग्राफ की शेप में लेंगे, इसको पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अभी टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है। अब ये हमारा टेक्स्ट ही है, ना तो ये नंबर है ना तो ये डेट है, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे ऑप्शन है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेट जो है ए टू जी को जो है ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर वाले को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो डेटा सेट है वो असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेट्स ए टू जी सॉर्ट हो गया है। अब ये एप्पल, बनाना, डेट, ग्रेप्स, मैंगो, पाइनएप्पल और वाटरमेलन जो है ये सॉर्ट हो गए हैं। ये मेथड है सॉर्टिंग का। अब आगे बुलेट पॉइंट क्या होते हैं, बुलेट पॉइंट्स ये हैं कि आप अगर ये इन जो नेम्स हैं इनको आप नंबरिंग देना चाहते हैं या आप इनको कोई स्पेसिफिक साइन के साथ शो करना चाहते हैं तो आप इस डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप पैराग्राफ वाले टूल बार ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट बुलेट पॉइंट शो हो रहे हैं, ये बुलेट है, उसके बाद ये वाला बुलेट है, ये नंबरिंग वाला, और उसके बाद ये मल्टी लेवल लिस्ट है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं बुलेट्स वाले को। बुलेट्स वाले में देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट बुलेट्स हैं, आप इन बुलेट्स को यूज करते हुए इनको आप सेट कर सकते हैं ताकि अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि ये इक्वल या लाइन नजर आए और खूबसूरत शो हो। अब यहाँ पे आप कोई भी जो स्पेसिफिक बुलेट है
उसको सिलेक्ट करके इन बुलेट्स को, ये जो अल्फाबेट्स हैं या ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टेक्स्ट है, इसको आप कोई भी जो बुलेट है वो साइन कर सकते हैं, या आप इस इन बुलेट्स पॉइंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। नन पे क्लिक करेंगे तो आपके बुलेट्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बुलेट्स शो हो रहे हैं वो नंबर्स हैं, उसके बाद ये भी नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं, ये रोमन नंबर्स हैं, ये अल्फाबेट्स हैं हमारे अपर केस में, ये लोअर केस में हैं, ये भी लोअर केस में हैं, ये भी रोमन नंबर्स हैं, और ये जो है हमारी काउंटिंग है नंबर्स हैं। हम यहाँ पे जो भी नंबरिंग वाली लिस्ट जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इन नंबर्स को ये जो हमारे टेक्स्ट हैं उसमें असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे रोमन नंबर्स में असाइन कर रहा हूँ, तो ये हमारे बुलेट्स जो हैं वो इन टेक्स्ट में मौजूद वर्ड्स के साथ असाइन हो जाएंगे। अगर मैं इनको रिमूव करना चाहता हूँ तो उसी तरीके से नन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये टेक्स्ट जो है वो बुलेट्स पॉइंट्स के बगैर जो है शो होगा। इसके बाद यहाँ पे हम अगर सब बुलेट्स लेने हैं, हमारे पास एक बुलेट पॉइंट में और पॉइंट्स हैं जिनको हम सब बुलेट्स पॉइंट्स के हवाले से शो करना चाह रहे हैं, तो हम डिफरेंट तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं। इसके बाद इंडेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? इंडेंट्स जो होते हैं वो पैराग्राफ की जो फर्स्ट और पैराग्राफ की लेफ्ट और राइट साइड पे जो स्पेस दी गई होती है वो हमारा इंडेंट कहलाता है। अब इंडेंट अगर मैं आपको यहाँ से एग्जांपल दूँ, आप इस डाटा सेट को सिलेक्ट कर लें, डाटा सेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पैराग्राफ वाले टूल बार ग्रुप में ये आपके पास एक राइट साइड पे एरो मूव कर रहा है और एक लाइन के साथ लेफ्ट साइड पे एरो मूव कर रहा है। लेफ्ट साइड पे मूव एरो जो कर रहा है वो डिक्रीज इंडेंट को शो कर रहा है और जो राइट साइड पे मूव कर रहा है वो इंक्रीज इंडेंट को शो कर रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जो टेक्स्ट है वो टोटली लेफ्ट अलाइन है, मैं ये चाहता हूं कि टेक्स्ट जो है थोड़ा आगे अलाइन हो जाए, लेफ्ट साइड से थोड़ा राइट साइड पे अलाइन हो जाए, तो उसके लिए मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये टेक्स्ट जो है आगे की तरफ मूव करता जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं डिक्रीज करना चाह रहा हूं इंडेंट, तो डिक्रीज कर रहा हूं इसकी लेफ्ट साइड पे जो स्पेसिंग है, उसके लिए मैं जो लेफ्ट साइड पे या लेफ्ट इंडेंट है उस पे क्लिक करूंगा तो वो स्पेस जो है वन स्पेस लेफ्ट साइड पे मूव करता जाएगा। ये इंडेंट हमें जब हम कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, स्पेसिफिक कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई हम स्पेसिफिक ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे राइटिंग में टाइप कर रहे हैं, तो उसमें हमारी पैराग्राफ की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाने में या आप पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है उसमें ये हेल्प आउट करता है। उसके बाद है बॉर्डर्स। बॉर्डर को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं? बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए जस्ट आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आपने होवर करना है अपने माउस को, माउस को होवर करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ वाले टूल बार ग्रुप में ये एक बॉर्डर्स वाला ऑप्शन है। बॉर्डर वाले ऑप्शन में आप जो भी बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो जिस टेक्स्ट के साथ आपका ये कर्सर जो है होवर कर रहा होगा उस टेक्स्ट के पार्ट पे आपका बॉर्डर लग जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि मैं इस पैराग्राफ को होवर कर रही हूँ यहाँ पे माउस कर्सर लगाकर, इस पैराग्राफ में मेरा कर्सर जो है वो प्लेस है। अब मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं ऑल बॉर्डर करूंगा तो आप इजीली देख सकते हैं कि मेरा ये दोनों पैराग्राफ क्योंकि सेम शेड में थे तो ये दोनों पैराग्राफ पे मेरा ये बॉर्डर लग चुका है। अगर मैं कंट्रोल जी करूं और इसको शेडेड जो रीजन है इसको मैं नो कलर कर दूं, नो कलर किया तो इसका शेडिंग रिमूव हो गई है। अब मैं इसको बॉर्डर लगाना चाहता हूं तो उसके लिए ये इस पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ हमारा ये जो सिलेक्टेड इस पे ही बॉर्डर लगा। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, जब हमने इन दोनों को इकट्ठा शेड किया था तो ये एक ही पैसेज कंसीडर किए जा रहे थे, इसलिए दोनों पैसेज पे सेम टाइम पे बॉर्डर लग गया था, लेकिन जैसे ही मैंने शेड रिमूव किया तो ये हमारा जो बॉर्डर है वो जस्ट जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है उस पे बॉर्डर लगा है।